मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कई करीबी कारोबारियों समेत कई जगहों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसी झारखंड में बड़ी कार्रवाई कर कई ठिकानों पर अंजाम दिया जा रहा है। रांची में सीएम के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। वहीं ग्रिड आर्किटेक्ट के मालिक विनोद सिंह के ठिकानों पर रेड चल रही है। रांची और राजस्थान में 10 से अधिक स्थानों पर रेड चल रही है। हजारीबाग में डीएसपी राजेंद्र दुबे, हजारीबाग के साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव, डीएमओ विभूति कुमार के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। अवैध खनन, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में छापेमारी की खबर आ रही है। देवघर में पूर्व विधायक पप्पू यादव के यहां छापेमारी चल रही है। साहिबगंज में खोड़निया ब्रदर्स अभय सरावगी कोलकाता के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। अभिषेक प्रसाद और पिंटू के घर का लॉकर खुल चुका है। चाबी बनाने वाले ने लॉकर को खोला। लॉकर को खोलने के लिए ईडी के अधिकारियों ने बुलाया था कारीगर को। और आपको बता दें कि लगातार जो है प्रयास किया जा रहा था कि इस अलमीरे के लॉकर को जो है खोला जाए, और इसके वजह से ताले के चाबी बनाने वाले कारीगर को जो है ईडी द्वारा बुलाया गया था। ईडी के अधिकारियों ने बुलाया था कारीगर को, और अब जो है लॉकर को खोल लिया गया है। सीएम के प्रेस सलाहकार पिंटू के घर पर रेड पड़ी है और ये छापेमारी चल रही है लगातार। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कई करीबी कारोबारियों के समेत कई जगहों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों के ठिकानों पर रेड चल रही है। सीएम के प्रेस सलाहकार के अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के यहां रेड चल रही है। रांची में ग्रेड आर्किटेक्ट के मालिक विनोद सिंह के ठिकानों पर रेड चल रही है। रांची में सत्ता के करीबी रोशन कुमार के यहां भी ईडी की छापेमारी चल रही है। हजारीबाग में डीएसपी राजेंद्र दुबे के यहां छापा पड़ा है। साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। वहीं देवघर में पूर्व विधायक पप्पू यादव के यहां भी छापेमारी चल रही है। साहिबगंज में पत्थर व्यवसायी खोड़निया ब्रदर्स के ठिकानों पर भी रेड पड़ा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।